बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेलकम टू शाहिन किचन बघारे बैंगन का सालन, जिसके लिए मुझे चाहिए ये इंग्रेडिएंट्स सारे। यहाँ पर मैंने लिए हैं सारे, ये सब को मैंने अच्छे से भून लिया है। ये खोपरा है, ये ज़ीरा धनिया है, ये ज़ीरा धनिया का पाउडर है, ये गरम मसाला है, ये फली है, भून के छिलका निकाल के साफ़ कर चुकी हूँ, ये खसखस है, ये तिल है, ये मेथी दाना है, ये गरम मसाला है और सूखे और ये प्याज है, जिसे मैं कच्चे पीसूंगी। ये सूखा अलग पीसूंगी और ये कच्चा अलग पीसूंगी। और यहाँ पर सूखे मसाले में अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून और दो चम्मच मिर्ची, सूखी मिर्ची पाउडर, नमक हसबे जायके के मुताबिक। और ये खटास के लिए मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं और ये इमली लिए हूँ। इसको उबाल लूँगी मैं किचन चूल्हे पर रखकर पानी में। और ये बैंगन मैंने लिए हैं, तो मैंने इसमें तेल डाला है गर्म होने के लिए बघारे बैंगन के लिए, जिसके अंदर मैं अब डालूँगी ज़ीरा और ये इलायची पाउडर, ये इलायची पाउडर और थोड़ी सी कलौंजी डालूँगी इसमें जायके के लिए। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है कलौंजी, कलौंजी के तो इतने फ़वाद हैं जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और इसे 2 मिनट भून लूँगी अच्छे से। ये थोड़ा सा भून जाए तो मैं इसमें बैंगन डालूँगी। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें ये करी पत्ता डालूँगी। ये चटकता है इसीलिए मैं ढक्कन ढाँप रही हूँ। और ये मैं तेज पत्ता भी साथ में इसमें डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं बैंगन डालूँगी। ये देखिए दोस्तों, मेरा बैंगन अब थोड़ा सा अच्छे से भून गया है। मैं इसके बाद अपना सारा मसाला जो मैंने सीखा है उसको अच्छे डालूँगी और अच्छे से भूनूँगी। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये थोड़ा अच्छा भुनेगा तब मैं ये सारे सूखे मसाले इसमें डालूँगी, ताकि मसाले की कच्ची वो चली जाए और खुशबू, जो मसाले की खुशबू है जीरे धनिए की और इलायची पाउडर की, बाकी सारे मसालों की, सब अच्छे से भर कर आएंगे। जितना मसाला भुनेंगे आप उतना टेस्टी होगा सालन। दोस्तों, मैं अब इसमें डालूँगी सारे सूखे मसाले, जो अब मेरा मसाला थोड़ा सा भुनने लगा है तो मैं इसमें सारे ये सूखे मसाले डाल दूँगी। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके और भून अच्छा भूनूँगी। सूखा, बिल्कुल सूखा मसाला इस तरीके से भूनूँगी कि मसाले में खुशबू आने लगे। ये देखिए मेरा मसाले का कलर, बिल्कुल कलर इतना खूबसूरत आ गया है कि अब मैं इस मसाले को अच्छे से भूनूंगी। धीमी आंच पे पकाइए ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए और तेल छोड़े। 10 मिनट से मैं जो मसाला भून रही थी बिल्कुल बेहतर तरीके से भून चुका है मेरा मसाला और तेल भी छूट चुका है साइडों से। ये देखिए, अब मैं इसमें ये जो मैंने इमली और ये टमाटे को गरम गरम उबाल लिया है, पका लिया है, ये गरम है, अभी थोड़ा ठंडा होने देती हूँ इसे। उसके बाद मैं ये पानी उसमें डालूँगी, ये मसाले में डालूँगी। तो अब मैं ये पल्प निकाल चुकी हूँ, ये मेरा पल्प मैं इसमें डालूँगी, इसमें जिसकी वजह से मेरा ये बिल्कुल, और 5 मिनट के लिए ये खट्टे को मैं पकने दूंगी ताकि मेरा ये बिल्कुल सालन रेडी हो जाएगा। और ये बैंगन सब्जियों का राजा कहते हैं, इसे बैंगन ज़्यादातर अक्सर लोग बैंगन खाने से कतराते हैं, लेकिन बैंगन सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है और ये सालनों में बेहतर बनाया जाता है इसे। अब मैं इसे अच्छे से पकने दूँगी, 5 मिनट लगेंगे इसे खट्टे पकने में, उसके बाद मैं उतार दूँगी इसे। मेरा खट्टा डालने के बाद सालन पक चुका है, तेल खट्टा पकने के बाद ये जो तेल छूट गया है साइडों से, इसे मैं, इसका मतलब मेरा सालन पक चुका है। अब मैं इसे सर्विंग बॉयल में निकालूंगी ताकि हम लोग खा सकें। और मेरे इस रेसिपी को बनाने के तरीके को आप अगर पसंद करें तो मेरे सालन के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
बताइए, कमेंट करके बताइए कि मेरा सालन कैसा लगा आपको। और बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल रेडी है मेरा सालन, बैगारे बैगन का सालन जो मैं सिंपल तरीके से होममेड सालन बनाई। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कमेंट करके। अल्लाह हाफिज़।